अगर हम पिछले 3 सालों के स्टेट पीसीएस के पेपर देखें, किसी भी स्टेट पीसीएस के, और जहां पर भी जीएस करीब 100 नंबर की आती है, हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, और उन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में से करीब 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं जिसमें की टर्म्स के बारे में पूछा जाता है। हिस्ट्री संबंधित जो कुछ टर्म्स होते हैं, अलग अलग काल में चलते हैं, एंशियंट में, मेडिवल में, उनका मीनिंग पूछा जाता है, उनको कहते क्या है, वो किस शासन काल में इस्तेमाल होते थे, उनका मतलब क्या है, और एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर लोकहित से उनका क्या संबंध है। इन सबसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। इस वीडियो में हर एक टर्म को हम डिस्कस करेंगे, एंशियंट इंडिया से, मेडिवल इंडिया से, उनका मतलब क्या है, किस किस शासक के शासनकाल में उनका इस्तेमाल होता था, कोई पदनाम हो सकता है, कोई रीति हो सकती है, कोई कर हो सकता है, इन सभी को डिस्कस करेंगे जिससे आपके आने वाले एग्जाम में 2 क्वेश्चन कभी गलत ना हो। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, आइए चलिए देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंशियंट इंडिया से देखेंगे, वैदिक काल से शुरू करते हुए, और फिर आएंगे मेडिवल तक। तो राजन, ये आपने देखा होगा, राजन जो है नेम ऑफ किंग होता था, शासक का नाम। जो जन होता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था, ये पूरी हायरार्की उसकी दी हुई है। कुल सबसे छोटी यूनिट होती थी, उसका अधिपति कुलप कहलाता था, वो अभी हम देखेंगे। फिर ग्राम होता था, फिर विस होता था, फिर जन होता था। तो जो जन का हेड होता था वो राजन कहलाता था। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद सभा के बारे में बात कर लेते हैं। सभा जो है अर्ली वैदिक काल में इसका प्रयोग हुआ है, ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख हुआ है। चुनिंदा लोगों की और एल्डरली पीपल की जो सभा होती थी, जो मीट होती थी, उसको कहते थे सभा समिति। सभा समिति में काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। अभी एक सरल सा क्वेश्चन आया था इसमें, वेस्ट बंगाल पीसीएस में, उसमें दोनों के बारे में पूछा गया था। समिति में क्या होता है? समिति एक फोक असेंबली थी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि व्हाट वाज समिति, तो समिति एक फोक असेंबली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं दिया रहता कहीं पर। ट्राइब्स गैदर होते थे और ट्राइबल बिजनेस ट्रांजैक्ट करते थे। ट्राइबल बिजनेस क्या हो सकता है? कोई व्यापार हो सकता है, बार्टर सिस्टम हो सकता है, दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है इसमें। धार्मिक समारोहों और प्रथाओं और प्रार्थनाओं के संबंध में चर्चा होती थी इसमें। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि राजन को समिति के द्वारा ही चुना जाता था, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, विधात के बारे में बात कर लेते हैं। विधात को 122 बार मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली इसको कहा गया है ऋग्वेदिक पीरियड की। यहाँ बाइलिंगुअल दिया हुआ है, आप लोग देखते जाइए इसमें। विधात में क्या है? विधात जो है अक्सर महिलाओं के साथ जोड़ा गया है कि विधात में महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी, पुरुषों के साथ विचार विमर्श करना अलाउ था विधात में। ऋग्वेद में केवल एक बार सभा के साथ महिला का संबंध जोड़ा गया कि सभा में महिलाएं भी जा सकती थीं, केवल एक बार लिखा हुआ है, लेकिन विधात में कई बार लिखा हुआ है कि महिलाएं पार्टिसिपेट करती थीं इसमें। विधात आर्यों की पहली एक लोकसभा कह सकते हैं हम लोग, और सभी प्रकार के कार्य करती थी, आर्थिक, सैन्य, धार्मिक और सामाजिक। तो अगर कोई कह दे कि विधात किससे एसोसिएटेड है, ये मैं जो बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन बने हैं, उनको एनालाइज करने के बाद ये पूरा वीडियो प्रिपेयर किया गया है। उस पर पूछ लें अगर आपसे कि विधात वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें होगा आर्थिक, उसमें होगा सैन्य, उसमें होगा धार्मिक, उसमें होगा सामाजिक, तो आप ऑल ऑफ द अबव पर क्लिक करेंगे, यानी उसको सही मानेंगे। विधात ने अपने देवताओं की पूजा और अपने कुलों और जनजातियों को, अपने मतलब देवताओं की पूजा करने के अवसर प्रदान किए। आगे बाली टैक्स है। बाली टैक्स जो है कई बार लिखा रहता है, ये आपको नॉर्मल बुक्स में मिल जाएगा। बाली कर हालांकि ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक था, उत्तर वैदिक काल में इसको अनिवार्य कर दिया गया था। अब राजसूई के बारे में बात की गई है। यहाँ पर एक सेरेमनी होती थी कॉन्सेक्रेशन टाइप का। कॉन्सेक्रेशन का मतलब है कि राज्याभिषेक समारोह है, यानी कि राज्यारोहण करता था जब, तो ये होता था। बलिदान और सोम निकालने के दिन तक चलता रहता था, ये काफ़ी लंबी एक पूरी प्रथा होती थी, मतलब लंबा कार्यक्रम होता था, सोम निकालने तक चलता रहता था, 1 वर्ष तक इसके संस्कार चलते रहते थे। इस अनुष्ठान में राजा को एक धनुष और एक तीर कभी कभी जो है पुरोहित के द्वारा दिया जाता था उसके हाथ में, और उससे राजा घोषित किया जाता था। बहुत सारे उसमें कर्मकांड होते थे, और फाइनली एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण, या कह सकते हैं हम लोग पुरोहित, वो राजा को अपॉइंट करता था राजा के तौर पर। वाजपेयी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सोम यज्ञ था, सोम यज्ञ था, सोम के अर्पण इसमें देखने को मिलता था, सोम अर्पित किया जाता था अपने इष्ट को, और जानवरों की हत्या भी कहीं कहीं पर लिखा करी जाती थी। रोमला थापर ने लिखा है यहाँ तक कि घोड़े को मारा जाता था, इवन जो है गाय तक को जो है मारा जाता था, जिसको अघन्या भी कहा गया है कहीं कहीं पर। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मामला है कि जानवरों की बलि होती थी कि नहीं, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें सोम यज्ञ था, सोम अर्पित की जाती थी। सोम को 3 बार निकाला जाता था, मवेशियों को अग्नि को समर्पित किया जाता था, यानी कि बलि के तौर पर, ऐसा किसी किसी ने लिखा है। संग्रहिती के बारे में अगर हम बात कर लें, तो वैदिक काल में कर
एकत्रित करने और कर लगाने का एक अधिकारी था। करारोपण भी इसका कार्य था और कर का कलेक्शन करना भी, ठीक है, कलेक्टिंग और लिविंग टैक्स दोनों भी इसका काम था। संग्रहित्री, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तो संग्रहित्री को किससे मिलाएंगे, टैक्सेस से आप पिलाइएगा। उपनयन के बारे में बात कर लें तो उपनयन पारंपरिक संस्कारों में से एक है, इसमें राइट्स ऑफ पैसेज इसको बोलते हैं। ये एक गुरु के द्वारा एक छात्र को स्वीकृति और हिंदू धर्म में स्कूल के रूप में व्यक्ति के प्रवेश को देखा जाता है, यानी कि जैसे आजकल स्कूलों में एडमिशन होता है तो पहले उपनयन होता था, पहले का स्कूल भी अलग था और वहाँ के टीचर्स भी अलग थे, पहले गुरुकुल भेजा जाता था ऐसा कुछ आप मान सकते हैं। उसमें गुरु के साथ जाना पड़ता था विद्यार्थी को, चाहे वो एक शासक का लड़का हो चाहे एक नॉर्मल लड़का हो, जब वो अपने विद्यालय या फिर गुरु के साथ जाता था तो उपनयन संस्कार होता था। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये दिया जाता था और जीवन भर वो लड़का उसको बांधे रहेगा अपनी छाती पर, ये होता है उपनयन संस्कार। तो अगर पूछ ले कि यज्ञोपवीत जो है कि कब दिया जाता है, तो उपनयन संस्कार में। कैवल्य आपको महावीर पीरियड में देखने को मिलेगा। कैवल्य का जो पूरा डॉक्ट्रिन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप एकांत अकेलापन या अलगाव की स्थिति मान सकते हैं, लेकिन इसका डीप मीनिंग यही है कि प्राकृत में ये कैवल्य जो है प्राकृत वर्ड है पहली बात तो, और इसमें इसका मतलब है कि आत्मा से जो पदार्थ है यानी कि जो हमारा सड़ने वाला शरीर का हिस्सा है उससे उसका अलग हो जाना, ये है कैवल्य। कि शरीर धारण जरूर किए हैं लेकिन वो शरीर से अलग हो चुके हैं, धारण भी किए हुए हैं लेकिन उससे अलग हो चुके हैं। राजयोग का मुख्य लक्षण कैवल्य की स्थिति है, कि अगर कैवल्य हासिल कर लिया तो राजयोग भी हासिल किया जा सकता है। रिश्तों, अहंकार, आकर्षण, घृणा, जन्म मृत्यु के चक्र से एक विच्छेदन हो जाता है, यानी कि उससे मुक्ति मिल जाती है, कि आप किसी से घृणा नहीं करेंगे, आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता, आपको कोई घृणा नहीं कर सकता, आपको कोई क्रोधित नहीं कर सकता, आप इतने अलग हो चुके हैं इन सब चीज़ों से कि आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये स्थिति होती है कैवल्य की। जैसे कि महावीर ने तपस्या, योग साधना और अनुशासन से इसको निष्ठा से प्राप्त किया, वैसे ही कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसके प्राप्त करने वाले को केवलिन कहते हैं, जो कि कहा गया था महावीर स्वामी को। स्यादवाद जो है ये ज़्यादा आया नहीं है कई बार, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैन तत्व मीमांसा में ये सिद्धांत दिया है, इसका कहने का मतलब है कि सारे जजमेंट कंडीशनल होते हैं, कुछ केसेस में जो है उपयुक्त होते हैं, कुछ केसेस में अनुपयुक्त होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के लिए अनुपयुक्त हो सकती हैं, किसी के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। इसमें स्याद वर्ड जुड़ा हुआ है, स्याद का मतलब होता है शायद, अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ये जो सिद्धांत है कुछ भी को मानता है, यानी कि कोई चीज़ निश्चित नहीं मानता है, ये यही स्यादवाद है। परिग्रह भी महावीर काल का ये जैन का टर्म है। परिग्रह परिमाण जैन धर्म के 12 व्रतों में से एक है, जो 12 वोज बताई गई हैं उसमें से एक है परिग्रह। विशेष रूप से सांसारिक संपत्ति से लगाव को सीमित करने की प्रक्रिया है, मतलब कि अगर आप कैवल्य नहीं भी बन सकते हैं, अगर आप कैवल्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो परिग्रह लेना जरूरी है, जो 12 व्रत हैं उनमें से। परिग्रह का क्या मतलब हुआ, संपत्ति से लगाव सीमित कर देना, आपने एक लिमिट बना ली है कि इतनी संपत्ति होनी चाहिए मेरे पास, इतना ही धन होना चाहिए, उससे अधिक मेरे काम का नहीं है, ये परिग्रह है। अगला है बसादी। बसादी क्या है, बसादी प्राचीन भारत का एक जैन मंदिर हो सकता है या फिर जैन मठ हो सकता है। इस शब्द का इस्तेमाल दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में किया गया था, उत्तर भारत में इसका ऐतिहासिक उपयोग माउंट आबू के विमला बसादी और लूना बसादी मंदिरों से मिलता है, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। बस बसादी के बारे में आपसे पूछे किस धर्म से, किस संप्रदाय से रिलेटेड टर्म है, तो जैन से। अब उपासक और उपासिका, उपासक उपासिका होते थे बुद्ध काल में, ठीक है, पाली जो वर्ड होता था परिचर उसके लिए है ये संस्कृत का टर्म उपासक और उपासिका। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है उपासक और उपासिका, मतलब अगर मेल है तो उपासक और फीमेल है तो उपासिका। इसका मतलब ये है कि जो अनुयायी जो हैं, जो नन नहीं बनते हैं, जो भिक्षु नहीं बनते हैं, जो मठ में नहीं जा कर के रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ व्रत लेते हैं बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म से प्रतिज्ञा लेते हैं, तो वो उपासक और उपासिका बन जाते हैं, यानी कि उनको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है लेकिन उन्होंने कुछ व्रत जो है धारण किए हैं बुद्ध धर्म के। आहर्त के बारे में बात कर लेते हैं। आहर्त थेरवाद बुद्धिज्म में डिफाइन किया गया है इसको, थेरवाद जो संप्रदाय अलग बन गया था, या थेरवाद जो बिलीवर्स थे उन्होंने दिया था टर्म। इसमें अर्हत, इसको ये आहर्त है या हाँ अर्हत या आहर्त है, इसमें संस्कृत का टर्म है, और अर्हंत जो पाली का टर्म है इसका मतलब होता है जो योग्य है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा अर्हता का मतलब ही होता है योग्यता, इसका मतलब ही होता है योग्यता, यानी कि एलिजिबल, तो इसका मतलब होता है जो निर्वाण प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जो निर्वाण प्राप्त करने योग्य है,
ठीक है, जो निर्वाण प्राप्त कर चुका है उसने सारी योग्यता हासिल की और फिर निर्वाण को प्राप्त किया, वो है अहर्त। थेरवाद ये मानता है कि जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है वो अहर्त है, लेकिन अन्य बौद्ध परंपराओं ने अहर्त उसे कहा है जिसे नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बुद्ध नहीं बन पाया लेकिन फिर भी बुद्धिज्म के मार्ग पर इतना चला है निष्ठा से कि उसे अब अहर्त कहा जाना चाहिए, कि भले ही वो उस अल्टीमेट उस जेनित तक नहीं पहुंचा बुद्धत्व के, लेकिन कहीं ना कहीं वो अहर्त है। त्रिपिटक ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही आता है ज़्यादातर, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक में पूछ लेते हैं कि त्रिपिटक की ये पुस्तकें किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो बौद्ध धर्म से। थेरवाद बौद्ध धर्म में इनका विशेष महत्व है, महायान बौद्ध धर्म भी इन्हें आधिकारिक रूप से अपना मानता है। अब थेरवाद का अगर हम टोटल स्पैन देखें तो ये कहाँ कहाँ तक था, ये बर्मा में फैला, ये आपका कैम्बोडिया में देखा गया, लाओस में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का ये प्रमुख रूप है थेरवाद। इसके करीब दुनिया भर में 100 मिलियन फॉलोअर्स माने जाते हैं और पाली त्रिपिटक से इसके सारे डॉक्ट्रिन्स लिए गए हैं और इसकी बुनियादी शिक्षा चार महान सत्य पर आधारित है। बोधिसत्व, बोधिसत्व प्राचीन भारत में एक व्यक्ति जो दुनिया के कल्याण के लिए काम करके निर्वाण प्राप्त करता है उसे बोधिसत्व कहा जाता है, मतलब जो कल्याणकारी काम करके बुद्धत्व की स्थिति प्राप्त करता है वो बोधिसत्व है। खरोष्टी, खरोष्टी जो है ऑफकोर्स एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं सॉरी गलत बोल गया, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है, अरामी लिपि से ले गई, अरमाइक लिपि से ले गई है खरोष्टी। राजुक के बारे में बात कर लेते हैं तो अभी आपको महाजनपद काल के टर्म्स मिलेंगे मौर्य पीरियड के। राजुक स्तंभलेख नंबर 4 में राजुकों को उन अधिकारियों के रूप में बताया गया है जो एक समूह में रहकर जनपदों में कल्याणकारी कार्य करते थे, वेलफेयर स्टेट बनाने में जो हेल्प करते थे वो राजुक कहलाते थे, लेकिन मौर्य काल में कालांतर में जो जुडिशियल वर्क करते थे उन्हीं को राजुक कहा जाने लगा। ठीक है, अगर पूछ ले कि राजुक इज रिलेटेड टू होम तो इसका आंसर क्या होगा, जुडिशरी। राजुक कौन से फंक्शंस करते थे, जुडिशियल फंक्शंस, ये आप लिखेंगे या मार्क करेंगे प्री में। अमात्य, अमात्य ये आपको देखने को मिलेगा मौर्य काल में, कुछ अधिकारी के लिए आधिकारिक पदनाम है जो मौर्य काल में इस्तेमाल होता था, जैसे अगर आप सल्तनत काल में इसका कंपैरिजन करें तो जो मलिक होता था वही अमात्य होता था, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। समर्थ, समर्थ कौन है, समर्थ मौर्य काल में राजकोष का कुलपति, राजस्व संग्रह करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको समर्थ कहा गया है। ये पूछ लेंगे कि आप बताइए समर्थ जो है किस काल में देखा गया था, तो मौर्य काल में, ये पद नाम कहाँ था मौर्य काल में। सन्निधाता कौन है, शाही खजाने का प्रमुख, ठीक है, हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी मौर्य काल में सन्निधाता। गोप कौन है, गोप मैंने आपको बताया था राजस्व और पुलिसिंग कार्य जो करता है, 5 या 10 गांवों का प्रभारी अधिकारी होता है, वो होता है गोप। गोप को हम ज़्यादातर मेंशन देखेंगे अर्ली वैदिक काल में, ठीक है, बाद में ज़्यादातर चीज़ें राजन के पास आ जाती हैं। गौलमिक के बारे में बात कर लें तो वैदिक काल में एक बार फिर से अर्ली वैदिक काल में एक सैनिक आई थी गौलमिक, अर्ली वैदिक पीरियड में। अब यूपीपीसीएस में दाम के बारे में पूछा गया था, ये तांबे का सिक्का है, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए चांदी का जो रुपया होता था उसका 1/40 माना जाता था दाम को, ठीक है, यानी कि 40 दाम बराबर एक चांदी का रुपया। शेर शाह ने चलाया था और फिर जो है अकबर ने भी इसको आगे बढ़ाया था दाम को, ये कॉपर का होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि धीमी क्या होते थे, व्हाट वर धीमी, तो धीमी देखे जाते थे आपके मध्यकालीन भारत में मुस्लिम भूमि में रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को संदर्भित करता है शब्द, जिन्हें पूंजी कर का भुगतान करने के बदले में इस्लामी कानून में विशेष दर्जा और सुरक्षा दी जाती थी। ठीक है, यानी पूंजी का भुगतान किया और एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उनको माना जाने लगता था, ये धीमी होते थे। इनका अस्तित्व जो है मध्यकालीन भारत के किस शासक के काल में आता है मैंने बहुत खोजा लेकिन नहीं मिला है, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। दीन किसको बोलते थे, दीन धर्म को बोलते थे, धर्म किसको, इस्लाम को बेसिकली। दीवान, द दीवान वित्त मंत्री होता था, फाइनेंस ऑफिसर हम बोल सकते हैं, मिनिस्टर नहीं। मुगल काल में जो प्रोविंस में जो ये वित्त कार्य देखता था, सूबे में जिसको हम लोग कह सकते हैं, सूबा उन्होंने कहा है प्रोविंस को, तो सूबे का जो वित्त अधिकारी होता था वो दीवान होता था, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। दीवान ए आरिज जो है कई बार सृजित किया जाता है डिपार्टमेंट, सैन्य मामलों का मंत्रालय था, सबसे पहले बलबन ने सृजित किया था, ये इसको ध्यान रखिएगा, और शेर शाह सूरी ने भी इसको बनाए रखा था। तो दीवान ए आरिज किससे रिलेटेड है, मिलिट्री अफेयर्स से। फौजदार कौन होता था, फौजदार होता था सरकार का प्रभारी, सरकार जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आज अगर हम उसको कंपेयर करें तो आज के मॉडर्न डे का वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था फौजदार, मुगल काल में ध्यान रखिएगा।
मराठा काल में जो फौजदार था उसका रोल अलग था, वो अभी आगे की लिस्ट में देखेंगे हम। गंज किसको कहते थे? गंज मुगल काल में अनाज की मंडी को कहते थे, ग्रेन मार्केट को गंज। अगला है गोमस्त। गोमस्त मुगल काल में यूज होता था। गोमस्त ने कंपनियों के उपनिवेशों में कार्यरत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक भारतीय एजेंट के रूप में स्थानीय बुनकर और कारीगरों के द्वारा कंपनी को माल पहुंचाने का काम किया था और बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें तैयार किया था। तो गोमस्त क्या है? एक एजेंट है। अगर पूछ लें व्हाट इज हु इज गोमस्त, तो गोमस्त एक एजेंट होगा, उसी को आपको जो है मार्क करना पड़ेगा। तो जो ब्रिटिश एजेंट होता था उसको मुगल लोगों ने क्या कहा था? गोमस्त कहा था। बाकी और भी डिटेलिंग लिखी है इसके बारे में कि यह माल कंपनी द्वारा यूरोप और अमेरिका को निर्यात किया जाता था, जो यहाँ से भारत से प्रोक्योर किया जाता था। गोमस्त को निजी व्यापारियों की चिंता का मतलब कि उनकी ग्रीवेंसेस सुनने वाला जो एक मैनेजर भी कहा जा सकता है कि वो यहाँ के लोगों की भी बात सुनता था। यानी मुगल काल में अगर उपनिवेशों से लोगों को कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ शिकायतें, तो उसको भी एड्रेस करने का काम होता था उसका। कह सकते हैं कि वो पेड नहीं होता था, मतलब कि ब्रिटिश से उनको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिलता था, वो खाली एजेंट का काम करते थे, ऐसा इनके बारे में लिखा हुआ है। इबादत खाना, ये अकबर के काल में सृजित किया गया था। अभी जो एपीओ का पेपर होता है उसमें पूछा है कि इबादत खाना जो है कब इस्टेब्लिश किया गया। अकबर ने जो जो काम किए हैं, दीन इलाही कब आया, इबादत खाना कब आया, उससे संबंधित जो टर्म्स हैं, हल्दी घाटी कब हुई, इनके ईयर्स जरूर ध्यान रखिएगा। आप बताइए इबादत खाना का सृजन कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये आप उनको कमेंट करके बताइए। मतलब ये क्या करें कमेंट, ये तो लिखा ही हुआ है। 1575 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में सृजित किया गया। अलग अलग धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा किया गया था। उसमें जो है क्रिश्चियंस भी शामिल थे, उसमें जो है आपके पारसी भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे। तो अगर ऑप्शन में लिख करके आए कि क्या ये खाली मुस्लिमों से रिलेटेड था, नहीं, इसमें जो है अलग अलग रिलीजियस ग्राउंड्स पर डिस्कशन करने के लिए और उनकी टीचिंग्स को समझने के लिए रिलीजियस लीडर्स को मतलब कि बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था अकबर के द्वारा। लेकिन बाद में सारे धर्म के लोग अपने को सुपीरियर साबित करने में लगने लगे, बजाय इसके जो कि अकबर का एम था कि डिस्कशन होगा, तो फिर बाद में अकबर ने इसको बंद भी करवा दिया था। खुत, मुकद्दम या चौधरी, ठीक है, ये तीनों एक ही हैं। खुत अगर आए, मुकद्दम आए, चौधरी आए, ये ग्राम प्रधान होता था सल्तनत काल में। ज़्यादातर सल्तनत शासकों में खुत और मुकद्दम थे जो कि ग्राम प्रधान के रूप में काम करते थे। खालिस या खालिसा किसको बोलते थे? खालिस शाही राजकोष को जो मिलने वाला सीधे राजस्व था वो होता था खालिस, जो सीधे इंपीरियल ट्रेजरी में जाता था, शासक के खजाने में, वो होता था खालिस। खम्स और उश्र, खम्स उश्र एक ही नहीं, अलग अलग है, ठीक है। खम्स अलग है, खुश्र अलग है। खम्स क्या है? खम्स जो है लूट पर कर होता था, जो लूट होती थी बेसिकली, जिहाद से जो लूट हासिल की जाती थी वो खम्स कहलाता था। उसका 1/5 हिस्सा करीब जो है सुल्तान ले लेता था, और बाकी जो है बाकी लुटेरे बांट लेते थे आपस में। ये है खम्स। तो खम्स क्या है? बूटी टैक्स है, टैक्स ऑन प्लंडर या बूटी टैक्स है, ये ध्यान रखिएगा। और उश्र क्या है? उश्र है एग्रीकल्चरल टैक्स। उश्र एग्रीकल्चरल टैक्स है जो बेसिकली मुस्लिम से लिया जाता था। अब अगला है मदद एमाश। मदद एमाश क्या है? भूमि का कर मुक्त अनुदान, टैक्स फ्री ग्रांट्स जो होती थी लैंड की, वो है मदद एमाश। ये जनरली अपने अधिकारियों को पेंशन के रूप में या उपहारों के रूप में दिया जाता था मुगल काल में, इसको बोलते हैं मदद एमाश। मलफूजात का क्या मतलब है? मलफूजात सूफी संतों को जो उपदेश होते थे, उनकी सेंग्स जो होती थी, उसको मलफूजात बोला जाता था। मामलूक क्या होता था? दास होता था। मामलूक डायनेस्टी आपने सुना होगा, इलबारी जो तुर्क हुए हैं वो मामलूक थे शुरू में। अब मिस्र के बारे में बात कर लें तो मिस्र आमतौर पर सिखों के संप्रभु राज्यों को संदर्भित करता है। आपने स्पेक्ट्रम की बुक में पढ़ा होगा सुगर चकिया मिस्र से आते थे, रणजीत सिंह, और बाकी कितनी मिस्रें होती थी, या बताइएगा कॉमेंट करके कि महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर मिस्रें कितनी होती थी, नंबर बताइए आप। और सभी मिस्र मिलकर एक कॉमनवेल्थ का गठन करती थी, ऐसा किसी ने लिखा है, एंटनी पोलियर ने। इन्होंने इन मिस्रों को कहा है कुलीन गणराज्य, ठीक है, कुलीन गणराज्य। अगला है नानकर। तो नानकर जमींदार को दिया गया राजस्व का अंश होता था मध्यकालीन भारत में, नानकर। कानूनगो के बारे में बात कर लें तो परगना में भूमि के सर्वेक्षण के लिए जो नियुक्त किए गए थे अधिकारी या ऑफिसर्स, वो कानूनगो होता था। तो कानूनगो किस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है? परगना एडमिनिस्ट्रेशन से, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद परगना क्या है? परगना आजकल जो तहसील होती है उसके समतुल्य हम मान सकते हैं। आसपास के 100 गांवों का जो
पूरा एक बनाया जाता था स्ट्रक्चर, वो है आज के ज़माने में तहसील और दिल्ली सल्तनत में होता था परगना। सदर उस सदर क्या है, गुलाम वंश की अवधि के दौरान, यानी ये ज़्यादातर फेमस था स्लेव डायनेस्टी में, जैसे इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गए, इन सब की डायनेस्टी में ये फेमस था ये टर्म सदर उस सदर। सार्वजनिक दान और कर्म कांडों का जो मतलब जो मुस्लिम जो रिचुअल्स होते हैं उनका जो प्रमुख था वो था सदर उस सदर। सुल्तान के रसूल के रूप में उनकी क्षमता, उन्होंने जनता से अपील और शिकायतें प्राप्त की और उनकी शिकायतों का निवारण किया। तो वो सुल्तान के रसूल के रूप में काम करते, यानी जनता से अपील मांगते थे, जनता उनसे अपील करती थी, शिकायतें अपनी लिखती थी और उन शिकायतों को दूर करने का काम करते थे। सुल्तान का रसूल उनको कहा गया है सदर उस सदर को। सरकार, सरकार क्या है, आधुनिक जिले के समतुल्य, जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे ही सरकार हुआ करते थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप BEO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और यदि आप UPPCS का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन, क्वाइंस, ये सब चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी शासकों की सल्तनत काल का एडमिनिस्ट्रेशन मुगल काल से कैसे अलग है, ये सब चीज़ें आप देखना चाहिए आपको। मतलब सोंधार क्या है, सोंधार आपको जनरली मिलेगा नहीं कहीं पर, सोंधार तुगलक काल में चलता था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो किसानों को ऋण दिया था वो है सोंधार, ठीक है। सोंधार तक्कावी भी दिया गया था इसके काल में, तक्कावी कम फेमस था, सोंधार एक अलग टर्म आया था। तक्कावी अगर हम देखें तो मुगल काल में भी जो लोन्स दिए गए थे फार्मर्स को वो है तक्कावी। जो स्पेशल नाम है तक्कावी लोन्स का वो सोंधार है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। अगला है शिकदार। तो शिकदार ये ऑफिसर कहाँ का था, परगना स्तर का ऑफिसर था, कानून व्यवस्था मेंटेन करना इसका काम था परगना लेवल पर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एट परगना लेवल, और स्टेट गवर्नमेंट को इसी के बारे में सूचित भी करता था। शिकदार, शिकदार किस काल में होता था, मुगल काल में। शिकदार जो है सल्तनत काल में नहीं होता था, ये ध्यान रखिएगा। टका जो है ये चांदी का सिक्का है, ये आपको देखने को मिलता है गुलाम डायनेस्टी में। टका और जीतल चलाने वाला गुलाम वंश का सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। उर का मतलब क्या है, चोल काल में जो आम ग्राम सभा होती थी उसको उर बोलते थे। उमरा क्या है, अमीर, अमीर जो नोबल्स आपको कई बार जो है पढ़ने को मिलते हैं, अमीर, अमीरों ने ये किया, अमीरों ने वो किया, अमीरों ने तख्ता पलट किया सल्तनत काल में। तो अमीरों के लिए जो एक कह सकते हैं उनके प्लूरल के लिए या फिर उनके कलेक्टिव नाउन के तौर पर जो यूज़ किया जाता है वो है उमरा, बस। जब्ती, जब्ती पूछा गया BPSC में एक बार, और अभी वेस्ट बंगाल PCS में पूछा था कि व्हाट इज़ जब्ती, जब्ती का मतलब पूछा था, डायरेक्टली मीनिंग पूछा था। चार ऐसे ऑप्शन थे जिसमें आप घूम जाएंगे अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है। तो भूमि माप के आधार पर कर राजस्व लगाने की जो प्रोसेस थी उसको बोलते थे जब्ती, यानी कि लैंड मेजरमेंट और लैंड असेसमेंट पर जो आधारित था कर वो है जब्ती कर। तो ये आया था आपके एग्जाम में। जवाबित, जवाबित BPSC में एक बार आ चुका है, जवाबित सल्तनत काल का टर्म है, इसका मतलब होता है राज्य का विधि विधान, स्टेट लॉस जो है वो है जवाबित। जहानदारी की बात कर ले तो सल्तनत काल में सुल्तान के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको जहानदारी बोला गया था। वजूहत का क्या मतलब है, मवेशियों पर जो कर लगता था मुगल काल में वो है वजूहत। विलायत किसको बोलते थे, एक सूफी संत का जो आध्यात्मिक क्षेत्र होता था जिसमें प्रचार प्रसार करता था उसको विलायत बोलते थे मध्यकालीन भारत में। अगला है वतनदार। वतनदार एक भारतीय शब्द है जिसका मतलब होता है जमींदार, ठीक। उपाधि भूस्वामियों को दी गई थी विशेषकर महाराष्ट्र रीजन में मुगल काल में, इनको वतनदार बोलते थे मुगल काल में और कहीं कहीं पर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में भी। विष्टि क्या है, वैदिक काल में जो फोर्स्ड लेबर होता था वो है विष्टि। विष्टि, वेट्टी और एरीपट्टी, इन सब में कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा, ठीक है। अभी वेट्टी बताएंगे क्या है। श्रेणी क्या है, श्रेणी जो है UPPCS 2018 में डायरेक्टली पूछा था कि श्रेणी कौन लोग थे, तो ये गिल्ड थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स, ये लोन देते थे एक दूसरे को और सेठों के रूप में कार्य करते थे, ये सब जो है गिल्ड होते थे एंशेंट इंडिया में। अगला है अमालगुजार। अमालगुजार मुगल काल में चलता था, एक राजस्व संग्राहक के तौर पर काम करता था जिले में या परगने में, ये क्लैरिटी नहीं है कहीं कहीं पर जिला दिया हुआ है या परगना दिया हुआ है, ये अमालगुजार का काम होता था। तो अगर पूछे कि अमालगुजार किससे रिलेटेड है तो ये एक रेवेन्यू ऑफिसर है मुगल काल में। अगला है आमिर हाजिब। आमिर हाजिब ये मुगल काल में एक प्रतिष्ठित अधिकारी था जो सभी अदालती समारोहों में शामिल होता था, मतलब कोर्ट सेरेमनीज में शामिल होता था आमिर हाजिब। अभी जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार स्टेट पीसेस पूछते हैं। चौथ और सरदेशमुखी कर,
ओडिशा पीसीएस पे भी इसको पूछा गया और भी लगातार पूछा जा रहा है। चौथा सर देशमुखी कर मराठाओं ने लगाया था। ये कर अपने आप में इसलिए स्पेशल है कि जहाँ पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन था टोटल, वहाँ पर ये नहीं लगता था, उनकी टेरिटरीज पर लगता था जो लोगों ने जो है कब्जा कर ली थी या फिर जो उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए जो शासन कर रहे थे वहाँ पर लगता था। चौथा सर देशमुखी कर, इसकी अगर हिस्ट्री की बात कर ले तो भू राजस्व का एक चौथाई लगता है। मूल रूप से गुजरात में जमींदारी कर के रूप में पहले लगाया गया था, शिवाजी द्वारा युद्ध खर्च के रूप में इसकी मांग की गई थी सर्वप्रथम, लेकिन बाद में फिर मराठे सभी शासक इसमें वसूलने लगे। मराठों ने मुगलों से भी कर वसूला है, ये बात आपको पता होगी अगर डीप से पढ़ा है। तो चौथ विजित क्षेत्रों पर लगता था, अगर वो लगातार मराठा आक्रमण से बचना चाहते थे उन पर चौथ कर लगता था, भू राजस्व का एक चौथाई होता था, ये ध्यान रखिएगा। सरदेशमुखी कर क्या होता था, अपने सब्जेक्ट्स की यानी कि मराठा एम्पायर जो कि किसी दूसरे ने कब्जा ज़रूर कर लिया है लेकिन उनके सब्जेक्ट्स यानी कि उनके लोग हैं वो उन्हें अपना मानते थे और उनकी रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए 1/10 और कर लेते थे सरदेशमुख के नाम पर। सरदेशमुखी कर मराठे लेते थे, जिस वो मानते थे कि जिन भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार है वहाँ के लोग भी उनके हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए जो इस समय उन पर शासन कर रहा है वो मराठों को कर देगा, जिससे कि मराठे उन सब्जेक्ट्स की यानी कि उन लोगों के हितों की रक्षा कर सकें। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा इन दोनों का माइन्यूट डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी जो ओडिशा पीसीएस का एग्जाम लगा था उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, 22 नंबर क्वेश्चन ओडिशा पीसीएस में आया था, इसमें पूछा है हमसे कि मराठा क्लेम फॉर रिवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्शन के लिए यानी रेड्स अवॉइड करने के लिए विजित क्षेत्रों में जो कर लेते थे वो चौथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पर सरदेशमुखी नहीं होगा। नस्तालिक के बारे में बात कर लें तो मुगल काल में भारतीय उपमहाद्वीप में जो उपयोग की जाने वाली फारसी लिपि थी उसको बोलते थे नस्तलीक। नस्तलीक क्या है, एक स्क्रिप्ट है, पर्शियन स्क्रिप्ट है, उसका टाइप है जो कि हमारे भारत में यूज़ होता था। अग्रहार का क्या मतलब है, अग्रहार जो है भूमि, शासक के द्वारा एक गांव से भूमि या करों को ब्राह्मणों में दान दिया जाता था वो है अग्रहार। तो गांव की भूमि से जो कर उगाहा जाता था उसका कुछ हिस्सा जो ब्राह्मणों को दान के रूप में दिया जाता था वो है अग्रहार। तो अग्रहार क्या है, डोनेशंस टू ब्राह्मण्स। आजीवक, आजीवक संप्रदाय बुद्ध काल में चला था, मक्खली गोसाल इसके प्रवर्तक थे, यही जो है बार बार आ जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे आजीवक धर्म के, मक्खली गोसाल। और फैटलिस्ट टाइप का था कि फेट में विश्वास रखते थे मक्खली गोसाल वगैरह, कि सब कुछ जो है भाग्यवाद पर आधारित है, कोई मनुष्य का पुरुषार्थ कुछ नहीं है, पुरुषार्थ को नकार दिया था आजीवक धर्म ने। भुक्ति, भुक्ति जो है ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा गुप्त काल में काफ़ी प्रोमिनेंटली, फिर राष्ट्रकूट में भी देखने को मिलेगा और आपको परमार वगैरह में देखने को मिलेगा। तो भुक्ति गुप्तकाल में प्रांतों का नाम हुआ करता था, प्रोविंशियल जो चीज़ होती थी मतलब जो प्रोविंस होते थे वो भुक्ति होते थे। अब यही भुक्ति बदल जाएगी, राष्ट्रकूट में कुछ दूसरी हो जाएगी, प्रोविंस ना होकर के कहो ये बड़ी यूनिट हो कहो छोटी यूनिट हो। अब बताइए भुक्ति और कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है, थोड़ा सर्च आप भी कीजिए, अगर नहीं मिलेगा किसी को तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा। द्विज, द्विज क्या है, द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, द्विज का मतलब ही होता है दो बार जन्म लेने वाला। तो ब्राह्मणों को द्विज बोला जाता है कि एक बार तो जब माता के उधर से जन्मता है, माता की कोख से जन्मता है तो एक बार उसका जन्म हुआ, और दूसरी बार जब शैक्षिक स्थिति की दीक्षा प्राप्त करता है तो बार दो दोबारा ब्राह्मण का जन्म होता है। अगला है कुमारामाते, कुमारामाते मतलब राजकुमार के परामर्शदाता, काउंसलर ऑफ प्रिंस। गुप्त और हर्ष काल में कुमारामाते चलते थे। महाछत्रप, ये शक काल में ये महाछत्रप की उपाधि ली गई थी, रुद्रदामन प्रथम ने महाछत्रप की उपाधि धारण की थी, ठीक है, उसके बाद शासक बना था और उसने अपने राज्य को मजबूत किया था। तो महाछत्रप शक काल में चलते थे, शक काल में। अगला है मत्स्य नयन, मत्स्य न्याय है बेसिकली, तो इसका वही मतलब है कि छोटी मछली जो है बड़ी मछली द्वारा भक्षित की जाती है, जब बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है और दुर्बल लोग हमेशा ही सबल का भक्षण बनते हैं, ये जो थ्योरी है यही है मत्स्य न्याय। अराजकों और आताइयों का जो राज्य है उसको ये जो है थ्योरी मतलब ये पोस्टुलेट करता है मत्स्य न्याय, कि छोटी मछली का कोई अस्तित्व नहीं है, बड़ी मछली एक ना एक दिन तो उसको खा ही जाएगी। अगला है घटिका, घटिक या घटिका, घटिक बोलेंगे इसको, एक शैक्षिक केंद्र जो अक्सर एक मंदिर से जुड़ा होता था, एजुकेशनल सेंटर ऑफन अटैच टू अ टेम्पल, प्राचीन भारत में। और किस काल में, क्या चोल काल में कि संगम काल में, आप बताइएगा कमेंट करके। निष्क, निष्क क्या है, सिक्के के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होता था महाजनपद काल में, यह है निष्क। निष्क कारशापण, बाद में फिर
टका जीतल ये सब डेवलपमेंट जो है आप लोग ज़रूर फॉलो किया करिए। हिस्ट्री में हिस्ट्री इतनी भी बोरिंग नहीं है अगर जो है सिलेक्टेड पढ़ा जाए और नामों से और क्रोनोलॉजी से हट कर भी चीज़ों को समझा जाए। सतमान चांदी का सिक्का होता था महाजनपद काल में। अर्घट पानी को खींचने का उपकरण होता था। इरिगेशन में इसका काफ़ी यूज़ देखने को मिलता था सल्तनत काल में भी और चोल काल में भी। अगला दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज जो है बकायों का विभाग था, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स सल्तनत काल में। आरिज मामलिक कौन होता था? आरिज मामलिक जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। वह ऑफिसर होता था जो भर्ती यानी कि सैनिकों की भर्ती उन्हें संगठित करने में और उनके अनुशासन वगैरह का जिम्मा उसके हाथ में होता था। वेतन का भुगतान भी उसी का कर्तव्य था। तो अगर पूछ ले कि सल्तनत काल में सोल्जर्स को सैलरी कौन देता था तो आरिज मामलिक। अगला है मजूमदार। मजूमदार मराठा शासन में वित्त मंत्री हुआ करता था, ये ध्यान रखिएगा। यही जो फौजदार है मुगल काल में कुछ और होता है, ये हमने वीडियो में देखा है अभी मिड में। मुहतसीब। मुहतसीब का मेजर कार्य होता है लोगों को देखना कि वो शरा के नियमों से शरीयत के नियमों से चल रहे हैं कि नहीं, मुहतसीब का कार्य। और कोतवाल का कार्य क्या होता था? कोतवाल का कार्य मुगल काल में थोड़ा अलग होता था और मराठा काल में थोड़ा अलग। मुगल काल में कोतवाल का कार्य होता था टाउन्स में और छोटे अर्बन यूनिट्स में कानून व्यवस्था को देखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कोतवाल का काम था। अभी HCRO के पेपर में पूछा गया था, हाईकोर्ट RO के पेपर में, ये कोतवाल का काम क्या होता था ये पूछा गया था। मुगल काल में कोतवाल का काम था अर्बन एरियाज में कानून व्यवस्था स्थापित करना और शरा की व्यवस्था को देखना किसका काम था? मुहतसीब का। तो दोनों डिफरेंस हो गए तभी मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। वाक्यनवीस ये पोस्ट होती थी न्यूज़ रिपोर्टर की, ठीक है, ये स्पाई होते थे शासक के, तो प्रांतीय स्तर पर ही काम करते थे वाक्यनवीस और वाक्यनिगार, सम्राट को सीधे रिपोर्ट करते थे, मतलब प्रांतीय स्तर पर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसकी सीधी रिपोर्ट शासक को देते थे वाक्यनवीस। अगला है फोतेदार। फोतेदार परगना स्तर पर जो कोषाध्यक्ष होता था वो है फोतेदार। ये कहाँ पर होता था? मुगल काल में, ये सल्तनत काल में नहीं होता था फोतेदार, ध्यान रखिएगा। कारकुन मुगल काल में होते थे, परगना स्तर पर ये अभिलेखागार होते थे। कारकुन और फोतेदार में आपको समझ में आ गया, परगना स्तर पर एक ट्रेजरर है और दूसरा रिकॉर्ड कीपर है। जरीब, अभी मैचिंग आई थी UPSC 2019 के पेपर में जो 15 दिसंबर को हुआ था। जरीब का क्या मतलब है? तो जरीब में दिया हुआ था कि एक कर है जबकि उसी को चूज करना था, जरीब का मतलब पता होता तो आपका एक क्वेश्चन सही हो गया होता उसमें। ये माप भूमि है, सर्वे और मेजरमेंट के लिए जो माप भूमि मतलब माप की यूनिट है, सॉरी माप यूनिट है जरीब, ना कि एक टैक्स। पट्टा और कबूलियत पॉपुलर हुआ था शेर शाह के काल में ही। शेर शाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत भूमि सुधारों का जो है परिचय करवाया था। पट्टा प्रणाली के तहत क्षेत्र में जिस प्रकार की बुआई होती थी, जिस प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी, उसको जो है विधिवत नोट किया जाता था और उसका राजस्व फिर तय किया जाता था, रिकॉर्ड कीपिंग होती थी अच्छे से। तो पट्टे का मतलब ये है कि रिकॉर्ड कीपिंग की जाती थी, क्या अनाज उगता है उस भूमि पर, इन सब का रिकॉर्ड कीप करना। और कबूलियत में क्या होता था? किसान और सरकार के बीच एक एग्रीमेंट होता था, उसका मतलब ये था। ये कबूलियत इसलिए लाया था ये सूर वंश का शासक शेर शाह सूरी कि वो जागीर प्रणाली को ख़त्म करना चाहता था जो उस समय प्रिवेलेंट थी। फर यजीदी की बारे में बात कर लें अगर हम, तो मुगल काल में चलता था, ईश्वरीय प्रकाश कहते थे फर यजीदी को। अगर आपने जो पिक्स देखी होंगी कभी, किसी को महान दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसके हेड के पास एक हैलो दिखाते हैं ऐसा, जो ये हल्का पीले रंग का जो दिव्य गोला दिखाते हैं उसके हेड के पीछे, वही है ये डिवाइन लाइट जो ईश्वर से संवाद कर सकता था शासक। यानी एक ईश्वर एक आदर्श शासक को मानते थे कि वो खुदा से भी संवाद कर सकता था, डिवाइन पावर से, ऐसा मानते थे। इसी को फर यजीदी बोलते थे। फर यजीदी क्या मतलब है? द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ किंग या फिर ऑफ द रूलर विद डिवाइन पावर। अगला है दस्तूर ए अमल कौन होते थे? मुगल काल में होते थे। ये बेसिकली एक बुक्स होती थी, रूल बुक्स होती थी, नियोजन की पुस्तकें। तक्कावी जो ऋण दिए गए थे मुगल काल में किसानों को, वो तक्कावी है। तक्कावी लोन्स को सोंधार बोला गया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, तुगलक वंश के शासक के काल में। कोतवाल जो टर्म है इसको और क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मुगल काल में कोतवाल जो शुरू में टर्म चला था, कोतवाल उसको भी कहा जाता था जो एक उपाधि या किले के प्रमुख के मध्यकालीन भारत में एक टाइटल हुआ करता था। कोतवाल
एक शासक या दूसरे शासक की ओर से छोटे शहर के एक क्षेत्र के किले को नियंत्रित करता था। यानी कि अगर किसी बड़े शासक ने, फॉर एग्जांपल अकबर ने अगर कोई किला जीता किसी छोटे से प्रोविंस का, किसी छोटे शासक को हरा करके उसका किला जीत लिया, तो अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी को वहाँ का कोतवाल बना देता था। तो अब उसका काम वहाँ पर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन देखना भी है और उस पूरे एरिया को मतलब अच्छे से कंट्रोल करना भी है। मराठा प्रशासन में जो कोतवाल का काम करता था गांव में, वो फौजदार कहलाता था। तो ये अंतर है फौजदार में, फौजदार जो सल्तनत काल में था, जो मराठा शासन में था, ये अंतर है फौजदार में। पोस्ट एक ही है, यहाँ पर काम बदल जाते हैं। करौड़ी, करौड़ी जो है मुगल काल में राजस्व अधिकारी होता था। एक पोलाज, पोलाज क्या होते थे, लगातार खेती में उपयोग करने वाली जमीन होती थी पोलाज। परौती, परौती भूमि जो उपजाऊ क्षमता को पुनर्प्राप्त करने के लिए और दोबारा कृषि में सक्षम होने के लिए छोड़ दी जाती थी। जैसे वहाँ पर भी क्रॉप रोटेशन फॉलो होता था, ऐसा मान के चल सकते हैं कि एक भूमि जो लगातार जिस पर खेती की जा रही है वो पोलज है, और जिसको छोड़ दिया गया है कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स फिर से गेन कर ले, वो है परौती। नश्क क्या है, व्हाट इज नश्क? तो नश्क व्यापक रूप से मुगल काल में प्रचलित था बंगाल में। तो किसानों से पिछली राजस्व प्राप्तियों के आधार पर एक अनुमानित गणना की जाती थी, यानी कि पहले जो टैक्सेशन था उसी को एसेस करके, पुराने रिकॉर्ड्स को देख करके ही नया टैक्स ले लिया जाता था। इसमें सर्वे नहीं करते थे भूमि का, ना ही जोत देखते थे, पुराने ही रिकॉर्ड्स पर जो है नया कर लगा दिया जाता था। यही नश्क है, ये बंगाल में चला था मुगल पीरियड में, ध्यान रखिएगा। कनकूत के बारे में बात कर लें, तो कनकूत क्या है, बेसिकली एक एस्टिमेट बनाया जाता था कर का, करारोपण का एस्टिमेट, धान को देखे बिना, अनाज को देखे बिना, अनाज को तौले बिना, बस एक त्वरित सर्वे करके वहाँ पर लैंड पर जा करके एक अनुमानित कूत यानी कि कर बनाया जाता था कि हाँ इतना अब देना पड़ेगा फार्मर को। मतलब उसमें अनाज तौला नहीं गया, खाली आँखों से देख लिया गया एरिया कि कितना होना चाहिए और उसका अनुमान कर लगा दिया गया। मतलब ये है कि इसमें मेजरमेंट नहीं होगी, इसमें खाली आँखों से सर्वे किया जाएगा और एक मोटा मोटा एस्टिमेट में कर लगा दिया जाएगा। ये क्या है, कंकूत। अगला है दाखिल, दाखिल कौन होते थे? दाखिल मुगल काल में चलते थे, लेकिन शासन उन्हें अपने खजाने से जो है नहीं सैलरी देता था, मनसबदार उनको रखते थे, मनसबदार उनको सैलरी देते थे, मनसबदारों के अधीन रखे जाते थे। तो अगर पूछ ले कि कौन से लोग रखे जाते थे मनसबदारों के अधीन, तो वो थे दाखिल, अहादी। अहादी कौन लोग होते थे? सेना के पास एक इंटरनल कोर होता था जिसमें कुछ कुशल निशानेबाज, कुशल आर्मी मैन होते थे, और उनका ग्रुप बना दिया जाता था, उनको अहादी बोलते थे। मतलब उनका काफ़ी रोल रहता था लड़ाइयाँ लड़ने में। बरावर्दी, बरावर्दी एक तदर्थ वेतन पर भर्ती किया गया कर्मचारी होता था मध्यकालीन भारत में। एडहॉक पेपर यानी नॉन परमानेंट संविदा पर। बंजारा, बंजारा मतलब अभी तो कुछ लोग सोचते हैं नोमैडिक पीपल, नहीं, मध्यकालीन भारत में अनाज और मवेशियों के व्यापारियों को बंजारा बोलते थे। बयूता कौन होते थे? बयूता कारखानों के प्रमुख होते थे, और दिल्ली सल्तनत में चलता था बयूता, और मुगल में भी कारखानों के प्रमुख को बयूता ही बोला गया था। बलहार किसको बोलते थे? कृषि किसानों की सबसे निचली श्रेणी यानी एग्रीकल्चरल पीसेंट्स में सबसे निम्न होते थे, उनको बलहार बोला गया था। कर्टस क्या था? कर्टास आपने पढ़ा होगा, ये टर्म स्पेक्ट्रम में होना चाहिए ज़रूर। कर्टास पुर्तगालियों द्वारा व्यापारियों को दिया गया एक परमिट हुआ करता था, कर्टास या कर्टस। चराई या चरीकर, चरीकर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, घरीकर और चरीकर दोनों अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, घरी और चरी। मवेशियों की चराई पर यानी ग्रेजिंग टैक्सेस को बोलते हैं कि मवेशी अगर चरेंगे भूमि पर, सल्तनत की भूमि पर, तो चरी कर देना पड़ेगा। ददनी, ददनी व्यापारियों द्वारा कारीगरों को अग्रिम हो यानी एडवांस जो दिया जाता था मर्चेंट्स को, वो होता था ददनी, यानी जो एडवांस जिसको बोलते हैं, 10,000 का माल खरीदना है तो 1,000 जो दिया बिना माल लिए वो होता है ददनी, एडवांस। दाग प्रणाली और चेहरा प्रणाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी थी, बलबन ने भी इसको जो चलाया था, घोड़ों और जानवरों की ब्रांडिंग होती थी, ये है दाग प्रणाली। चेहरा क्या थी? ये रिकॉर्ड कीपिंग की जाती थी सोल्जर्स की, तो सोल्जर्स जो भर्ती किए जाते थे आर्मी में उनका रिकॉर्ड रखा जाता था, उनको चेहरा सिस्टम बोलते थे। चेहरा और दाग दोनों एक ही बार, मतलब ये दोनों एक ही बार आते हैं ज़्यादातर। चेहरा और दाग प्रणाली को फॉलो किया था शेर शाह सूरी ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और आगे भी काफ़ी सारे शासकों ने। दुअस्पा सिंगस्पा के बारे में बात कर ली, जहांगीर ने इसको चलाया था, ये जहांगीर का सिस्टम था, ये कई बार आ चुका है कि दुअस्पा सिंगस्पा किसकी प्रणाली थी, जहांगीर की। इसके माध्यम से जाट को प्रभावित किए बिना उनकी रैंक बढ़ाई जा सकती थी, ठीक है, सवार रैंक बढ़ाई जा सकती थी, यानी उनके घोड़ों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी जो उनके पास होते थे, बिना उनकी टोटल पोस्ट को बड़ा या छोटा किए। मनसबदारी वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी, अभी आया था पेपर में,
लोगों को नहीं पता था कि वंशानुगत है कि नहीं, और दिया भी नहीं हुआ है पॉपुलर बुक्स में। एस के पांडे में खैर ये चीज़ गिवन है, मनसबदारों को राजस्व असाइनमेंट यानी कि जो जागीर होती थी उसके माध्यम से भुगतान किया जाता था। अगला है इजरा। इजरा जो इजरादारी सिस्टम है काफ़ी हद तक चला था, इवन अंग्रेज़ों ने भी इसको कहीं कहीं पर चलाया था। ये आपकी रेवेन्यू फार्मिंग की टेक्निक है, ये मुगल काल में शुरू हुई थी। इजरादार कौन होता था? रेवेन्यू फार्मर। खानजादा किसको बोलेंगे? खानजादा उस व्यक्ति को जो तुर्क घर में पैदा हुआ है, या फिर पुराने जो टर्किश एम्प्लॉयज़ होते थे उसको खानजादा बोलते थे सल्तनत काल में। खुदकश्त कौन लोग होते थे? खुदकश्त जमीन का मालिक जो अपने हल बैल और कुछ किराए पर मजदूर लेकर खेती करवाता था वो खुदकश्त बोला जाता था। कुलकर्णी कौन होते थे? कुलकर्णी उन लोगों के लिए उपयोग की जाने वाली उपाधि थी मराठा प्रशासन में, जो गांवों के खाते और अभिलेखों का रखरखाव करते थे और कर एकत्र करते थे गांवों से। तो मराठा प्रशासन में गांव से कर एकत्र कौन करता था? कुलकर्णी। मददेमाश आप देख चुके हैं, धार्मिक या योग्य व्यक्तियों को भूमि या पेंशन का अनुदान दिया जाता था। मज़ार उलेमा द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा होती थी, हालांकि अकबर ने अपना मज़ार चलाया था। आप मुझे बता सकते हैं कि उस मज़ार को प्रिपेयर किसने किया था? अकबर का मज़ार को प्रिपेयर किसने किया था बताइए आप? अकबर ने उस मज़ार में उलेमाओं से ऊपर बताया था खुद को। मीर सदर कौन है? मीर सदर वंशानुगत भूमि का जो धारक है वो है मीर सदर। रैयत कौन है? किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आपको ब्रिटिश टाइम में भी देखने को मिलती है, रैयत टर्म यहीं से आया, मेडिवल इंडिया से। समा क्या है? समा एक सेरेमनी है जिसमें अनुष्ठान होता है, गायन होता है, वादन होता है, कविता पाठ होता है, प्रार्थनाएं होती हैं, लोग पोशाक पहनते हैं, मतलब पार्टी जैसा आप मान सकते हैं इसको समा। ये मध्यकालीन भारत में आया था। सर्राफ कौन लोग होते थे? सर्राफ मूल्यांकन करता होते थे, टकसाल में उनको एम्प्लॉय किया जाता था एसेसर के रूप में कि हाँ प्योरिटी वो देखेंगे सर्राफ। आजकल सर्राफ कौन होते हैं? जो गहने बेचते हैं। तवस्सुफ जो है ये सूफीवाद इस्लाम के अभ्यास का रहस्यमय आत्म निरीक्षण का हिस्सा है हम लोग कह सकते हैं। इसमें जो है सूफीवाद अन्य धर्मों दृष्टिकोण की सहिष्णुता और स्वीकृति को बढ़ावा देता है। ठीक, अनुष्ठान क्या क्या करते हैं सूफी संत? जियारत करते हैं, कब्रों और मकबरों का दौरा करते हैं, कब्रों को संरक्षण दिलवाने का काम करते हैं, वफ बोर्डों के माध्यम से यात्राएँ करते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ पढ़ते हैं, ये सब है, और गीत नृत्य के माध्यम से पारगमन पर विचार करते हैं। बाबा फरीद से बख्तियार काकी तक सूफी संतों ने भौतिक संपत्ति पर मतलब भौतिक संपत्ति नहीं अर्जित की ज़्यादातर सूफी संतों ने, और गरीबी और तपस्या का जीवन जिया है ज़्यादातर सूफी संतों ने। ऊपरी कौन होते थे? जो अस्थाई रूप से टीनेंट होते थे, अपनी इच्छा पर रुकते थे, वो होते थे ऊपरी। अगला है वहदत अल वजूद। ये क्या है? अस्तित्व की एकता। अस्तित्व की एकता के लिए वहदत अल वजूद शब्द यूज़ किया जाता है। कलंदर कौन होते थे? कलंदर सूफी तपस्वी खाना बदोश होते थे, एक विशिष्ट तारीख से या तो जुड़े हो सकते थे या तो नहीं। ज़्यादातर मध्य एशिया सेंट्रल एशिया से आते थे, पाकिस्तान से, इंडिया से, और बाद में कलंदर शब्द का उपयोग एक टाइटल के रूप में भी किया जाने लगा। अब बताइए कि कलंदर का टाइटल जो है शिवाजी को मिला था, किसने दिया था कलंदर का टाइटल? देवदान। देवदान यानी देव को दान, भगवान को जो दान दिया गया लिटरली, वो गांवों के राजस्व से मंदिर के जो ऑफिशियल्स होते थे जो मंदिर की देखरेख करते थे उनको जो दान दिया जाता था वो देवदान होता था। विमान जो आर्किटेक्चर पर आधारित है, थोड़ा सा इसकी हम पिक दिखा देते हैं आपको कि विमान जो है मिडिवल इंडिया के मंदिरों में कैसा होता था। तो विमान या शिखर ये होता था, ये विमान ये आप देख रहे हैं, ये विमान होता था। बाकी ये अल्प विमान है, ये आपका अमाल शरक है, ये कलश है, ये साल है, ये कूट है, ये कपोत है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा आसानी से। और भी यहाँ पर दिखाया गया है एक दूसरे में स्ट्रक्चर में विमान और गोपुरम कहाँ कहाँ पर अलग होते हैं। ये विमान है पूरा, ठीक है, टोटल ये विमान है और ये गोपुरम है, आगे जो गेट लगा होता था बहुत बड़ा सा। तो आपने विमान देख लिया, विमान के और गोपुरम के बीच में गर्भगृह होता है। और पंचायतन में क्या होता है? पंचायतन एक हिंदू मंदिर है, और जब मुख्य मंदिर चार सहायक मतलब ये एसेसरी टेम्पल से घिरा होता है, बीच में एक मुख्य मंदिर और ये चार मंदिर होते हैं छोटे छोटे, तो उसको इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पंचायतन। श्रुति क्या है? प्राचीन भारत में श्रुतियों का वर्णन होता है, श्रुति यानी कि जो बोला गया है, ठीक है, जो मतलब सुना गया है, जो श्रुति यानी कि जो सुना गया है। श्रुतियों को शाश्वत माना गया है, और कह सकते हैं कि वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये श्रुति जो की गई है यानी जो सुना गया है उसी को लिख करके बनाए,
इनको शाश्वत सत्य माना जाता है, मुख्य रूप से स्वयं वेदों को संदर्भित करता है। तो श्रुति यानी कि वेद, मतलब वेद कैसे लिखे गए, जो सुना गया। ऋचाओं के बारे में बात कर लें तो वैदिक धर्म में ऋचाएँ प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत है कि ये सब कुछ जो ब्रह्मांड चल रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, प्राकृतिक चीज़ें जो हो रही हैं वो सब ऋचाओं की वजह से है। कुलप किसको बोलते थे, कुल के मुखिया को, ठीक है। हमने बताया आपको स्ट्रक्चर वीडियो की शुरुआत में ही, कुल के मुखिया को कुलप बोलते थे। कुल जो है सबसे छोटी यूनिट वैदिक सोसाइटी की, अर्ली वैदिक सोसाइटी की। व्रजपति किसको बोलते हैं वैदिक काल में, जो ग्राम प्रधान होते थे उनको व्रजपति बोलते हैं। चारागाह भूमि का प्रबंधन का कर्तव्य प्रजापति का था, और लड़ाइयों का नेतृत्व भी कभी कभी इसने किया था। अगला है गोप, तो गोप और गोपति राजा को दिए जाने वाली उपाधियां थी, हम देख चुके हैं। खम्स लूट का माल जो है, लूट का हिस्सा। खराज क्या होता है, हिंदू भूमि के स्वामी पर लगता है, यानी कि अगर लैंडलॉर्ड हिंदू है तो उस पर जो है खराज लगता था, और नहीं तो अगर मुस्लिम है तो उस पर उश्र लगता था, ये एक डिफरेंस है। ब्रह्मदेय, रईसम का क्या मतलब है, रईसम अधिकारी होता था जो मौखिक आदेशों को दर्ज करता था, ओरल ऑर्डर्स जो होते थे किंग को उसको लिखता था, रईसम। अगला है महाछत्रप, महाछत्रप यानी ग्रेट गवर्नर, शक शासकों के द्वारा अपनाया गया शीर्षक था, जो पहले सामंत होते थे, सामंत खुद को स्वतंत्र कर लेते थे शासक की अधीनता को नकार के, वो महाछत्रप या छत्रप कहलाए थे। निष्क, वैदिक काल में सिक्के के लिए प्रयुक्त शब्द। मसाहत, खिलजी वंश में भूमि के माप पर आधारित भू राजस्व, ठीक है, इसको जब्ती से थोड़ा सा सिमिलर मान सकते हैं हम। उसके बाद गल्लाए चुंगी यानी अनाज पर कर, खिजरावत यानी कि सब्जी पर लगने वाला कर, हक ए शर्ब का मतलब है सिंचाई कर। सिंचाई कर बताइए सबसे पहले किस सुल्तान ने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या। वजूहत, मवेशियों पर लगने वाला कर, भाग दुघा यानी कि करों का संग्रह करता है वैदिक पीरियड में। दीवाने को ही ये कृषि मंत्रालय या कृषि विभाग था तुगलक काल में, बेसिकली ये मोहम्मद बिन तुगलक लाया था दीवाने को ही। बारीद या बरीद क्या होते थे, बरीद जो होते थे खुफिया होते थे, यानी कि स्पाइज होते थे, गुप्तचर होते थे, समाचार एकत्र करने वाला अधिकारी। बारिद ममालिक केंद्रीय कार्यालय का प्रमुख होता था, एजेंटों के द्वारा देश भर से रिपोर्ट मंगवाता था, स्थानीय सरकारों को नियंत्रित करने में बारिदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी मुगल काल में भी और सल्तनत काल में भी थोड़ी थोड़ी। नगरम क्या होता था, चोल काल के व्यापारियों की सभा होती थी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा नगरम। निषिद्धि क्या है, निषिद्धि मृत्यु प्रथाओं का जो अनुष्ठान है, यानी कि मृत्यु होने पर जो राइट्स किए जाते हैं वो है निषिद्ध। मंडप, भक्तों की सभा के लिए मंडप होता था, मंडप भी स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर का, उसको आप देख सकते हैं नीचे पिक में, अभी हम दिखा देंगे। गोपुरम आप देख ही चुके हैं, हमने अभी आपको दिखाया था 5 मिनट पहले। अतिरिक्त मंडपों का एक विशाल गोपुरम होता था, गेट टावर होता था। नट मंदिर, भोग मंडप, ये भी आर्किटेक्चर संबंधित है। नृत्य हॉल होता था ओडिशा के मंदिरों में, जैसे कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में आपको नट मंदिर देखने को मिलेगा, या भोग मंडप जिसको बोलते हैं। भट्टारक, जैन धर्म के गुरु या उपदेशक को बोलते थे भट्टारक। आतिथ्य, सार्वजनिक दान और पुण्य कार्यों के लिए अधिकारियों को जो भूमि दी जाती थी वो आतिथ्या होता था। मुगल काल में इसी दान भूमि को इनाम कहा जाने लगा था। सीताध्यक्ष कौन होता था, कृषि का जो निदेशक होता था, और राज्य की भूमि या सरकार के कृषि खेतों का जो प्रभारी होता था वो होता था सीताध्यक्ष, यानी कि जिन भूमि पर कृषि होती थी वो भूमि कृषि वाली जो शासक के अधीन थी वो उसको देखता था सीताध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष क्या है, अक्षपटलाध्यक्ष मुद्रा और खातों के दो कार्यालयों का जो प्रभारी था, करेंसी एंड अकाउंट्स, अक्षपटल अध्यक्ष मौर्य काल में। चक्रवर्तीन या चक्रवर्ती कौन होता था, सार्वभौमिक सम्राट, यूनिवर्सल मोनार्क। चेट्टियार, चेट्टियार मध्यकालीन भारत में व्यापारी होते थे। दिग्विजयीन क्या होता था, चार क्वार्टर्स का विजेता, ठीक है, चारों दिशाओं का विजेता दिग्विजयीन कहलाता था, दिग्विजयी सम्राट। एरीपट्टी क्या होता था, वह भूमि जहाँ से सिंचाई टंकियों को चलायमान रखने के लिए राजस्व का उपयोग किया जाता था, यानी कि वो भूमि जिनसे राजस्व लेकर, यानी उन जिनसे राजस्व वसूल करके इरिगेशन टैंक्स मेंटेन किया जाता था, उन भूमियों को एरीपट्टी बोलते थे। तो ये मत समझ लीजिएगा कि एरीपट्टी इरिगेशन टैंक्स है, नहीं, वो लैंड है जिनकी रेवेन्यू से इरिगेशन टैंक्स मेंटेन की जाती थी। गहपति क्या है, भूमि मालिक इसको बोलते थे वैदिक पीरियड में बेसिकली। गावुंदा ये कौन होते थे, प्राचीन भारत में जमींदारों की श्रेणियाँ होती थी, स्थानीय प्रशासनिक समिति का सदस्य होता था गावुंदा।
हेगड़े, हेगड़े होयसाल वंश में चलता था पोस्ट, जमींदार के लिए इसको यूज़ करते थे, मतलब होयसाल वंश की डायनेस्टी में जो जमींदार होते थे उनको हेगड़े बोलते थे। कारछापण आपको बताई दिया है कि व्यापक रूप से सिक्का जो कि नॉर्मली चांदी का होता था, इसको पण भी बोलते थे कभी कभी। कपालिक, कपालिक शैव संप्रदाय था एक एंशियंट इंडिया में। उसके बाद कस्सक, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में ये चलता था। कस्सक जो था वो एक नॉर्मल पीजेंट नहीं होता था, थोड़ा सा गरीब होता था, मतलब गहपति जितना समृद्ध नहीं होता था, उससे गरीब होता था प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में। क्षत्रप, क्षत्रप यानी कि शक, तो शक के प्रशासनिक शीर्षक से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से पश्चिमी भारत में जो कुछ शासक आए थे उन्होंने क्षत्रप खुद को कहलाए थे वो लोग, और कुछ कुछ ने महाक्षत्रप खुद को कहा था। कुटुंबी, कुटुंबी यानी कि गृहस्थ, ठीक है, हाउस होल्डर, जिसने शादी की हो, जिसके बच्चे हों, जिसके पास घर हो। 72 गांव का प्रधान होता था। अब मुझे ये कमेंट करके बताइए, क्या ये राष्ट्रकूट में होता था, क्या ये पाल में होता था, क्या ये प्रतिहार में होता था, कि चोल में होता था, कि चेर में होता था, ये आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। समसार सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया है बुद्ध काल में, इसमें जो टोटल लाइफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसको संसार कहा गया है, कि पहले मतलब लोग पैदा होते हैं, फिर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर मर जाते हैं, यही पूरा चक्र है संसार। विलाल या विल्लाल ये क्या होते थे, ये विभिन्न श्रेणियों के किसान या जमींदार होते थे जो कि जनरली समृद्ध होते थे, ठीक है। विल्लाल लैंड ओनर्स, जमींदार, समृद्ध जमींदार। कारशापण ये बता चुके हैं आपको। उपारिक ये राज्यपाल गवर्नर बोलते थे इसको गुप्त और हर्ष काल में। मीर बख्शी जो अधिकारी सेना के रिकॉर्ड रखता था और सैनिकों को वेतन का भुगतान करता था मुगल काल में, ठीक है, जैसे सल्तनत काल में आरिज ममालिक वेतन का भुगतान करता था सैनिकों को, मीर बख्शी करता है मुगल काल में। केंद्रीय प्रशासन में मुख्य सेना के प्रमुख को मीर बख्शी के रूप में जाना जाता था, और प्रांतों में इसके अधीनस्थ तो बख्शी होते थे जो कि मीर बख्शी की रिकमेंडेशन पर शासक के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। दीवाने तन का क्या मतलब है, कार्यालय वेतन के भुगतान के लिए जो जिम्मेदार हैं, ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ सैलरीज। सैलरीज का मतलब सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स को सैलरी देने का काम था दीवाने तन को। खराज क्या है, खराज विजयी आक्रांताओं द्वारा वसूला जाने वाला कर है। बेसिकली इस्लामिस्ट लोगों ने, इस्लामिस्ट शासकों ने, कंकरर्स ने यहाँ के सब्जेक्ट्स पर लगाया था, ये है कुल मिला करके। तो खराज और उश्र में क्या डिफरेंस है, कि उश्र जो है मुस्लिम देंगे, और खराज कौन देगा, जो नॉन मुस्लिम्स हैं जिनकी टेरिटरीज को जीत लिया है इस्लामिस्ट लोगों ने। अगला है माउंड, माउंड क्या है, माउंड वजन की माप है, जो लगभग 80 पाउंड के बराबर है, और लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग देखा गया था। मुगल काल में माउंड क्या है, एक माप है, कुल मिला कह सकते हैं वजन की माप है। मुशरिफ का क्या मतलब है, मुशरिफ का अधिकारी सल्तनत काल के दौरान राज्य की आय का हिसाब रखने के लिए जिम्मेदार था, स्टेट इनकम संबंधित था मुशरिफ। बक्काल कौन होता था, अनाज का व्यापारी मध्यकालीन भारत में। बर्गी कौन होता था, एक सहायक सैनिक, एक लुटेरा, सहायक सैनिक लुटेरा मतलब कि क्या, कोई जो है वहीं पर रहने वाला निवासी जो सेना में चला गया, थोड़ी लूटपाट की और उसने सैनिकों का सहयोग किया, वो कहलाया बर्गी। बरावर्दी आपको बता दिया हमने। महल क्या होता था, भूमि का एक समूह होता था, राजस्व उद्देश्यों के लिए एक इकाई के रूप में बनाया गया था, कि जैसे आप परगना बनाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जिले बनाते हैं, वैसे सरकार बनाते हैं, वैसे ये बनाया गया था रिवेन्यू उगाही के लिए, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए महल। ऐसे महलवाड़ी प्रथा जो है आगे आप देखेंगे ब्रिटिशर्स में, ये महल शब्द मुगल काल से ही आया है। मलिकुतुज्जर का क्या मतलब है, बहमनी वंश में आया था, व्यापारियों का प्रमुख होता था मलिकुतुज्जर, ये आ चुका है एक बार, ध्यान रखिएगा, बहमनी वंश के शासक में। वीरगल ये कहाँ पर देखे जाते थे, ये संगम काल में। वीरगल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ये नहीं आएगा ज़्यादा, आप देख लीजिएगा डेफिनेशन वीरगल क्या है। धर्म अधिकारी ये मुख्य न्यायाधीश होता था मौर्य काल में। नागरिक कौन होता था, शहर का अधीक्षक, उसका मुख्य कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था मौर्य काल में। संधि विग्रह कौन होता था, विदेश मंत्री। कोट्टम क्या होते थे, प्रांत होते थे पल्लव वंश में, प्रोविंस पल्लव वंश में क्या होते थे, कोट्टम। कुनबीस क्या होता था, मराठा किसान योद्धा जो होते थे वो होते थे कुनबीस। वेट्टी, वेट्टी का मतलब बंधुआ मजदूरी, तो किसानों से जो शासक और गांव के समृद्ध जमींदार जो बंधुआ मजदूरी करवाते थे चोल काल में, वो होता था वेट्टी। कदमाई शासकों के द्वारा मतलब शासक को कृषकों के द्वारा दिया गया भूमि कर होता था कदमाई।
कदमई जो है ये दो तरह का है, चोल काल में जो है लैंड रेवेन्यू ही कहते थे कदमई, फिर विजयनगर काल में किसी भी कर को कहने लगे थे एक प्रकार का टैक्स, जरूरी नहीं कि लैंड टैक्स हो। इसे इराई और वराई भी कहा गया था, इराई विराई। दीवान इंशा, दीवान इंशा जो है ये पत्राचार और रिकॉर्ड विभाग था, इसको हम लोग और स्पेसिफिकली बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आगे दीवाने बंदगा, दीवाने बंदगा बेसिकली फिरोज शाह तुगलक लेकर के आया था डिपार्टमेंट, स्लेव्स का डिपार्टमेंट था। फिरोज शाह तुगलक को गुलाम रखने का बहुत शौक था, 180,000 गुलाम उसने जो है रखे थे अपने शासनकाल में, और उसका ये सब देखता था हिसाब किताब, दीवाने बंदगा नाम का विभाग। अगला है पणि। अभी MPBCS का पेपर जिन्होंने दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि पणि पूछा गया था, पणि में हमसे पूछा था कि किस जाति वर्ग के लोग थे, तो पणि के बारे में सब कुछ मैंने लिख दिया है कि जनों जो जन होते थे, जैसे हमने आपको बताया शुरू में, अक्सर पणियों के साथ इनका टकराव होता रहता था, जंगलों में आर्यों के मवेशी छुपा देते थे जिसमें ज़्यादातर गाय होती थी, और पणि जो थे व्यापारी वर्ग के लोग थे। वैदिक देवता इंद्र का आह्वान किया जाता था जनों के द्वारा, और फिर कई लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती थी, गविष्ठ, गवासन, गोश, ये गव्यत बोलते थे, गायों की खोज के लिए जाते थे, फिर लड़ाई करते थे पणि लोगों से, फिर अपनी गायें वापस पाते थे। दीवान रसालत के बारे में बात कर ले तो ये रिलीजियस अफेयर्स का विभाग था मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत मतलब सल्तनत काल में। सल्तनत काल में दीवान रसालत जो था ये धार्मिक मामलों का विभाग था, लेकिन अगर बात कर ले कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में दीवान रसालत किसका विभाग था, तो वो बाहरी मामलों का विभाग था, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स का विभाग था, उसको एक फॉरेन मिनिस्ट्री टाइप का हम ट्रीट कर सकते हैं शेर शाह सूरी के शासनकाल में। वहीं नॉर्मल जो सल्तनत काल के शासक थे उन्होंने इसको रिलीजियस अफेयर्स का विभाग बनाए रखा। दीवाने उनजारत के बारे में बात कर लें तो बलबन के काल में सबसे पहले उदय हुआ था दीवाने उनजारत, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त विभाग। दीवाने खैरात के बारे में बात कर लें तो फिरोज शाह तुगलक के समय पर यह आया था परोपकार विभाग, परोपकार विभाग खोला था फिरोज शाह तुगलक ने। इसने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी खोला था, यह आ चुका है एक बार आरओ के पेपर में कि कौन सा वो सल्तनत का शासक है जिसने लोगों को रोजगार देने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला था, वो है फिरोज शाह तुगलक। दीवान वजारत का क्या मतलब है, वित्त विभाग था ये मुगलों के काल में, जैसे यहाँ पर वित्त विभाग सल्तनत काल में अलग थे उनके अधिकारी अलग थे, यहाँ पर मुगल काल में अलग है। दीवान वजारत वजीर जो अध्यक्षता करता था वित्त विभाग की, वजीर से ऊपर खाली एक ही अधिकारी हुआ करता था, वो था वकील। मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल में वित्त विभाग ये हुआ करता था, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैंने अलग अलग बता दिया, दीवाने वजारत जो दोनों में होता था सल्तनत काल में भी और मुगल काल में भी, इसके अधिकारी अलग अलग होते थे। अमीर बहर ये कंट्रोलर ऑफ बोट्स था, यानी कि नौकाओं का अधिकारी था सल्तनत काल में। अमीर बहर